हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आइकन क्यूबर पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्यूब के इस अजब कॉर्नर पीस के बारे में कि ये कैसे सोल्व होता है और ये पीस किस कारण से क्यूब पर देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देर किए। दोस्तों, मानो कि आप मार्केट गए, वहाँ पर आपने एक सस्ता क्यूब खरीदा। क्यूब खरीदने के बाद आप अपने घर लौट आए और आप क्यूब सोल्व करने में व्यस्त हो गए, लेकिन आप अब भी क्यूब सोल्व नहीं कर पाते हो। तब आप क्या करते हो? फिर आप क्यूब को तेज़ी से घुमाना शुरू कर देते हो, जिससे क्यूब के सभी पीस उखड़कर आपके हाथों में आ जाते हैं। फिर जो हमारा रिएक्शन ऐसा होता है कि मानो ब्रह्मांड से कोई उल्कापिंड हमारे सिर पर आकर गिर गया हो। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते और उन पीसों को उठाकर जोड़ने लगते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं? दोस्तों, हम टूटे हुए क्यूब को दो तरह से जोड़ते हैं। पहला तो यह है कि हम क्यूब के सभी पीस को उसके स्थान पर सही तरीके से लगाते हैं, जैसे कि यह है। दूसरा तरीका यह होता है कि कोई भी पीस कहीं पर भी लगा दिया, कहीं का कहीं जोड़ दिया हमने इस तरीके से, जैसे कि ठीक ही है। तो इस पहले तरीके से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने सभी पीस सही जगह पर लगाए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर अलग रख देंगे। बात आती है अब इसकी, इसमें हम क्या गलती करते हैं। मानो दोस्तों, आपने यह पीस लगाया तो यह ऑरेंज था ऊपर और नीला नीचे, लेकिन आपने नीला ऊपर कर दिया और ऑरेंज नीचे कर दिया, तो आपने यह उल्टा लगा दिया एक तरीके से, मान के चलना अपने दिमाग में। और दूसरी बात यह है कि आप इस रंग को लेके चल लीजिएगा। सपोज करो कि यह ऊपर सफ़ेद हरा और ये सामने ऑरेंज था, और आपने इसको ये इस तरीके से उल्टा लगा दिया, ठीक। तो जब आप इस क्यूब को सोल्व करोगे तब आप क्या देखोगे, जो सबसे लास्ट में जो एक पीस रह जाएगा वो ठीक वही कंडीशन होगी जो मैंने आपको दिखाई थी। इस तरह के पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो ठीक लगाया था, लेकिन जो लास्ट में कमी रह जाती है हमेशा, वह यह कमी आती है, क्योंकि यह साबित करता है कि आपने ये वाला पीस उल्टा लगाया था, इसलिए कंडीशन लास्ट में आती है। वरना आपको ये सस्ते वाले क्यूब में देखने को ही मिलेगी। अगर आप 250-200 वाला क्यूब ले आएंगे जो अपनी जगह से उखड़ते नहीं है, उसमें ये मिस्टेक आपको देखने की नहीं मिलेगी, आपके सस्ते वाले क्यूबों में देखने के लिए मिलेंगे जो उखड़ जाते हैं, और उनको हम गलत तरीके से लगा देते हैं, कहीं का रंग कहीं लगा दिया, तब आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और हाँ, इसे सोल्व करना भी सिखा दूँ। अगर आपके पास में महंगा वाला क्यूब है तो आप सिंपली इसको यहाँ से इस तरीके से घुमा कर इसको कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपका सस्ता वाला है जो उखड़ जाता है, तो आपको उसको उखेड़ कर उसके स्थान से दोबारा ठीक तरीके से घुमाकर तब लगाना पड़ेगा, तब यह ठीक होएगा। वरना इसकी कोई एल्गोरिज्म नहीं होती है जिससे कि हम इसको बिना उखाड़े या बिना घुमाए सही कर सकें। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आई हो तो। धन्यवाद।